नहीं यार, अब मंगनी का रिस्क नहीं लेना, सीधा उसका निकाह करेंगे। बैठा हुआ सरिये, मैं बाद में कॉल करूंगा। शगुप्ता जी, कभी सलाम भी कर लिया करें। जाने दे यार, जाने दे, पता नहीं इतना तैयार होकर किसको डराने जा रही है। बेटे बात सुनो, सर मार कर तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी। पसलियां क्यों, सीधे सीधे दांत तोड़े इसके। नहीं ना, इस कद के साथ मैं सिर्फ उसकी पसलियों तक पहुंच सकती हूँ। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि इतना कागज लहराते हुए कहाँ जा रही हैं आप। पुलिस ट्रस्ट के इलेक्शन का नोटिफिकेशन है। पुलिस ट्रस्ट? हाँ, नई बॉडी बन रही है। इलेक्शन होगा, फिर एक अफसर जो है वो सिलेक्ट होगा, उस ट्रस्ट का सदर बनेगा और वो ट्रस्ट चलाएगा। डीआईजी साहब का ऐसे कामों से क्या काम, आप ये टिमी जी को दें। वैसे भी डीआईजी साहब किसी जगह रेड मारने गए होंगे। यार सारा हमला तो थाने में है, डीआईजी साहब अकेले कहाँ रेड मारने चले गए? पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि बड़ा जानलेवा मामला है। आपने हमें कटरीना कैफ का स्पेशल शो दिखाकर हमारे बड़े होने का हक अदा कर दिया। सर 3D में तो ऐसा लग रहा था जैसे कटरीना बाहर आ गई है। कोई मसला नहीं सर, आपकी खिदमत के लिए ही तो बैठे हैं। भाई आपने ये जो हम दोनों के लिए स्पेशल शो अरेंज किया है ना, मैनेजर साहब यकीन मानिए इससे हमारी दोस्ती सात समंदर से भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। सर मेरा नाम चाइना नहीं है। लीजिए मजीद बेइज्जती। वैसे मैनेजर साहब कोई और फिल्म देखने को मिल सकती है? सर वो मुझे ना दबंग का स्पेशल शो देखने का बड़ा शौक है सर। अब बाहर निकला ना पुलिस वाला। वैसे मैनेजर साहब कोई प्रिंट पड़ा हुआ दबंग का? नहीं वो कोई नहीं। अबे चल ना, दिल छोटा ना कर, तुझे फिर से दिखा दूंगा किसी और जगह। अबे सारे ही वाकिफ है हमारे मैनेजर साहब, ईमानदारी की बात है भाई, आपका सेटअप देख के तबीयत खुश हो गई। वैसे ये जो 3D है ये सिस्टम, ये क्या मेरे घर में लग सकता है? सर के कहने का मतलब है कि सर कटरीना कैफ को मुस्तकिल अपने पास रखना चाहते हैं। तो बड़ा शरारती हो गया है। क्यों नहीं सर, सेटअप तो आपके घर पे भी लग सकता है, तो थोड़ा खर्चा होगा। अरे भी खर्चे की आप फिक्र ना करें, खर्चा कितना हो जाएगा, 1-2 लाख? तो यही को 10-15 लाख। अगर बड़ी स्क्रीन कहेंगे तो लाख रुपया बढ़ जाएगा। मेरा ख्याल आप रहने ही दीजिए, मैं सिर्फ काफिर को देख के गुजारा कर लूंगा, कटरीना को रहने ही दें आप। इतना काफी है, अब तबीयत को कोई और सुकून पहुंचाना चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, अब हम चलते हैं। और हाँ सुनिए, ये बात लीक मत कीजिएगा कि हमने स्पेशल शो देखा है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? नहीं ऐसे एहतियात बता रहा हूँ, क्योंकि बाज लोग पुलिस ऑफिस रान से दोस्तियां करके छछोरे हो जाते हैं। अरे ना करें सर, बेफिक्र। बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब, दोबारा कोई ऐसा ही मनोरंजन अरेंज कीजिएगा। अब आधा किलो गडेरी याद से ले लेना, बहुत जलन हो रही है मुझे। एयरवाई न्यूज जी, अमार यूसफ भाई, ICT के DIG के बारे में एक मसालादार खबर दूं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने आपको मिस वर्ल्ड तो नहीं कह दिया जो आपको यकीन नहीं आ रहा? टिम्मी जी मीन नो। अच्छा बताए ना, अब वो पुलिस ट्रस्ट वाले इलेक्शंस वाकई में लड़ रहे हैं? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। आई एम सो सरप्राइज्ड, मुझे नहीं पता था आपके अंदर भी लड़ने लड़ाने वाली स्पीक मौजूद है। गुत्थन गुत्था नहीं होने लगा, सिर्फ इलेक्शन ही लड़ने हैं। वही ना, पॉलिटिक्स करने के लिए भी बड़े हौसले की जरूरत होती है। देखिए मुझे कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करनी, असल में ये जो पुलिस ट्रस्ट है ना, इसके जरिए मैं ना अपने बाकी पुलिस वाले भाइयों की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो फंड मिलेंगे वो मैं इनके ऊपर स्पेंड करूंगा, और वैसे भी मेरे ख्याल से इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को मेरे जैसे यंग ब्लड की जरूरत है। लेकिन आपको पता है वो टाइगर फोर्स वाले DIG साहब भी ना इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। तो लड़ ले, मैं कौन सा बिला मुकाबला जीतने लगा हूँ, और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पूरा होना चाहिए चाहे जो भी जीते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अपना वोट ना आप ही को डालूंगी। ध्यान से डालिएगा, क्या पता आपके वेट में वोट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो, पता चले वोट डाले और साथ ही हवा में उड़ जाए। वेरी फनी है ना, मुझे लग रहा है सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फारिग होता जा रहा है। ऑफ कोर्स टू स्टॉप वॉचिंग टू टीवी। भाई ये कब आया? सर ये नोटिफिकेशन आज आया, जो कल आया था आप दफ्तर में थे नहीं, इसलिए मैंने टिम्मी जी से साइन करवा के उसे वापस भिजवा दिए। बहुत अच्छा किया, ऐसे छोटे मोटे दफ्तरी काम टिम्मी से ही करवाया करो।
एक्सक्यूज मी सर, एक दफा इसको पढ़ तो लेते सर। अब काहे को पढ़ लूं बार बार इसको। सर इसमें देखें कि आईसीटी के एएसपी टिम्मी जी सदर के लिए इलेक्शन लड़े हैं। सर अब तो लड़ने दे ना, क्या हुआ? सर अब क्या बात कर रहे हैं? ना कर है बदनाम शगुफ्ता नाम जो भी है, टिम्मी जी को फौरन मेरे ऑफिस में भेजो, मैं भी देखूं उसके अंदर कौन सा मुस्तकबिल का सदर छुपा बैठा है। ओके सर। मेरा दाद सर, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं ना था। बस सर, मैं ना होता तो आपका क्या होता सर? आओ आओ मेरा दाद, आओ आओ। सर आपने याद किया, और कौन करेगा? एंजेलिना जोली करती तो ज्यादा खुशी होती। तेरी झोली में सुराख तो मैं करूंगा, ये किन चक्रों में पड़ गया तू? मैं कुछ समझे नहीं। अबे फेंक दे दे, मैं मुक्का मारने लगा हूँ। धड़ाम। क्या ये सच है कि तुम इलेक्शन लड़ रहे हो? वो पुलिस ट्रस्ट वाला नहीं, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का। नहीं सर, जब वो एक्चुअली मैंने इलेक्शन का सुना ना, और तुम्हारे अंदर की हिनर वाणी घर बाहर आ गई। ये बात आपने मेरी आवाज सुनकर कही है। टिम्मी जी, ये इलेक्शन जीत कर सदर बनना बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए तजुर्बा चाहिए होता है। लेकिन सर मेरे ख्याल में इस तरह की कॉज के लिए फ्रेश ब्लड की जरूरत है। जी सर, तो हम भी सर को ताजा खून की बोतलें लगवा देंगे। क्या मतलब? आपको ये जानकर शदीद मुसर्रत शाहीन होगी कि मैंने पुलिस ट्रस्ट के सदर बनने का और इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। जी मुच्छा वाला आवेगा, मुच्छा लाके जावेगा। मुच्छा वाला आवेगा, मुच्छा लाके जावेगा। मुच्छा वाला आवेगा, मुच्छा लाके जावेगा। लेकिन सर इलेक्शन में तो मैं खड़ा हो रहा हूँ। आप उस वक्त खड़े हुए थे टीमी जी, जब आईसीटी से कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ था। अब मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, इसलिए आप शराफत से बैठ जाइए। मैं तो पहले ही बैठा हुआ हूँ। मजीद बैठ जाइए, बल्कि जमीन पर लोटनियां लीजिए, क्योंकि अशरफ के जलजले और खान की सुनामी का मिलाप है अशरफ खान। मतलब की तबाही होनी चाहिए, जीते या ना जीते। जो भी हो, लेकिन मेरा फैसला हो चुका। लेकिन सर आप इस काम में कहाँ पड़ रहे हैं? क्यों, मुझे चिकन पॉक्स निकले हुए हैं? अपना नाम फौरन वापस लो। सॉरी सर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। क्या कहा? सॉरी सर, लेकिन मैं भी अपना जेन बना चुका हूँ, और मेरे ख्याल में मैं इस पोस्ट के लिए ज्यादा सूटेबल हूँ। समझ गया, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, आई लाइक इट। डीआईजी साहब, आपको अपनी पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाने को तैयार है। और सीनियर नायब सदर के बहुत मजे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम तो ऑटोमेटिकली हिट हो। सर एक सीट है, कौन सा नायब सदर? चलो फिर तुम्हें स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना देते। सर कमेटी तो आपसे डाली नहीं जाती, स्टैंडिंग कहाँ से होगी? तो फिर आपका अंजाम वो होगा कि आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मुंह छुपाते फिरेंगे। जो भी हो, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तुमने मेरी पॉलिटिकल साइड अभी नहीं देखी। कॉलेज के जमाने में लोग मुझे मर्दाना फिरदास आपा कहा करते थे। सर फिर आप याद रखिएगा कि मामला सियासी है, इसे पर्सनली मत लीजिएगा।